नमस्कार, मैं शालिनी। चलिए आज मैं आपको हरे चने का भबड़ा बनाना बतलाती हूँ। होली में ये बहुत ही शौक से बनाया जाता है। हरा चना के भबड़ा का रेसिपी मैंने पहले भी आप सबके साथ शेयर किया है। आज मैं आपको इसका दूसरे तरीके से बनाना बतलाती हूँ। वैसे तो जब हरा चना छोटा छोटा मिलता है, बहुत छोटा छोटा हो, तो इससे भबड़ा बनाना बहुत ही आसान होता है और वो बाहर निकलता भी नहीं है। लेकिन आज मैं जो बतला रही हूँ वो आप देखिए, वो आप कैसे भी चना से बना सकते हैं, बड़ा हो अगर चना साइज़ में, जैसे कि ये चना देखिए बड़ा है, तो इससे भी हम बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट भबड़ा बना सकते हैं। अब भबड़ा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हरी मिर्च लेंगे, थोड़ा लहसुन की कली लेंगे। अब जो लोग लहसुन नहीं खाते वो केवल हरी मिर्च ले लें, और इन दोनों को पहले हम थोड़ा पीस लेते हैं। ये पीस गया है, अब इसमें हम ये हरा चना डालेंगे और इसे बस थोड़ा सा मोटा पीसेंगे। बस एक बार हम अच्छी तरह से रन कर देंगे तो ये थोड़ा टुकड़ा हो जाएगा, देखिए इस तरह का हो जाता है। अब हम इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेसन, एक चम्मच चावल का आटा, बस एक कटोरी मैंने चना लिया था उसमें मैं 2 चम्मच बेसन और 1 चम्मच चावल का आटा डाल रही हूँ। बेसन और चावल का आटा हमें इसमें इतना ही डालना है कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब कितना भी आप बना रहे हो तो इतना ही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा इसमें चावल का आटा डाल देंगे तो ये कुरकुरा हो जाता है, और इसमें थोड़ा बेसन डालना है ताकि ये अच्छी तरह से गूंद सके। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे, बिल्कुल स्वाद के अनुसार। इन सब को हम इस तरह से देखें, पहले तो ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, और लगे कि थोड़ा सा इसमें पानी चाहिए तो हम हल्का सा इसमें पानी का छींटा डाल देंगे, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जैसे मैंने इसमें 1 चम्मच डाला है। अब ये देखिए, ये बहुत अच्छा सा तलने के लिए तैयार हो चुका है। नमक बिल्कुल चख लेना है, पहले एकदम थोड़ा नमक डालें, जब अच्छी तरह से गूंद लेते हैं तब हम इसमें नमक चख कर और डाल सकते हैं। तवा को गर्म कर लेंगे, तवा बिल्कुल गर्म है, इस पर मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, आप जो तेल खाते हैं उससे बना सकते हैं। सबसे पहले हाथ को हम पानी से इस तरह से गीला कर लेंगे, उसके बाद इसे हम इस तरह से लेंगे, थोड़ा सा इसे फ्लैट करेंगे, जो लोग प्याज वगैरह खाते हैं वो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अनुसार इसमें हम कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से हम इसे फ्लैट कर लेंगे और अब हम इसे तवा पर डालेंगे। तेल बिल्कुल गर्म है, इसे हम बीच में पहले डालेंगे, इस तरह से थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ेंगे, इसको बिल्कुल टच नहीं करना है। इसको फ्लैट करके हम इस तरह से डालते जाएंगे। आंच को हम बिल्कुल सिम रखेंगे। अब इस पर तो हम डालते जा रहे हैं, लेकिन हमें और डालना है तो हम क्या करेंगे, तेल बीच में है, तेल को थोड़ा हम इस तरह से आगे लाएंगे और उसके ऊपर हम इसे इस तरह से डालेंगे। इस तरह से हम पूरे तवे पर डाल सकते हैं। अब ध्यान में रखना है कि मैंने सबसे पहले किसे डाला, जैसे कि मुझे डालना था तो मैंने क्या किया, इसे साइड करती चली गई, तो जो सबसे पहले डाला है उसे हम उलट लेंगे। अब इसी तरह से हम इसे भी, दूसरी साइड भी हम इसे सेक लेते हैं। हम इसे उलटते हैं तो हमें फिर से एक बार चारों ओर थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है, उसे डालकर हम फिर से दूसरी साइड सेक लेते हैं और थोड़ा उलट कर बीच में हम इस तरह से देख भी लेते हैं कि ये हुआ या नहीं।
अब ये देखिए ये पूरा का पूरा तैयार है। तो देखिए इस तरह से हम बहुत ही स्वादिष्ट हरा चना का भबड़ा बना सकते हैं। भबड़ा भी कर सकते हैं आप, इसे बचका भी कर सकते हैं। हरा चना का भबड़ा तैयार करने का वीडियो मैंने आप सबके साथ पहले ही शेयर किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो ही बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और ये भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। होली में खास करके हरा चना का भबड़ा बचका वगैरह तैयार किया जाता है, आप इसे बना कर देखें और अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आती है लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।